कृषि मंत्री प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अनेक्सी भवन परिसर में लगाए गए कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कृषि विभाग द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल का विधिवत निरीक्षण किया। कहा कि ये प्रदर्शनी एवं गोष्ठी किसानों के हित के लिए लाभकारी होगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के प्रत्येक जनपद के दो दो प्रगतिशील किसानों को इफ्को द्वारा प्रदत्त मिनी किट्स वितरित किया, जिससे किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे राधे नारायण नमः ओम विघ्नहर खेत में लेवा लगा लेते हैं तो लेवा लगाने के बाद वो एक एक आदमी इसको खींचता है और ये एक एक सीट यहाँ से जो है आपका 285 पर के जी और वहाँ पर हमने हम लोग करने चाहते हैं खेती करते हैं वहाँ वो कर रहे हैं प्याज वो कैसे करना है वो करेंगे प्याज बोलो उसके बाद जो है बोलो पीछे बाबू इसको आप कम से कम हर हफ्ते एक बार मॉनिटर किया कीजिए क्या स्थिति से पशुपालन विभाग के मोबाइल फंक्शन शुरू हो गया वहाँ पर तब फोन इसकी क्वालिटी सुधार है सर्विस करा रहे हैं आप लोग जे डी साहब यहाँ के किसानों को बस्ती जो है वो एक्सीलेंस सेंटर ऑफ के बी के है वन डे टू डे प्रोग्राम बना करके ले जाइए एंड 5000 पौधे तैयार हैं कमियाँ आम के और अमरूद के और नींबू के और बेल के तो उन पौधों को जब जाएगा ना तो भी जून जुलाई के बाद जाकर फिर वो परचेज भी करेगा उनका अभी तो यहाँ का किसान कभी देखा ही नहीं होगा बड़े लोगों से भी पूछता हूँ कि देखा आपने एक्सीलेंस सेंटर बताए ना हम तो गए नहीं करेले का खाएं सर सर कुछ भी प्लीज आम नहीं काटे थोड़ा करेला तीखा उनसे काट करेला ये आम वाला उठा के पूरा ट्रे उठाइए वाला ट्रे उठाइए पूरा ट्रे उठाइए अरे नहीं लगा हुआ है नहीं बस मिल जाएगा नहीं नहीं इसे उठेगा नहीं ये वाला ऊपर गए इसमें लो ये तस्वीर भी है।